तो हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी चलाने पे तो मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसे बिगिनियर्स कैसे बाइक चलाएं। तो मैं इसको बच्चे को सिखाने वाला हूँ। तो आज अपन सीखने वाले हैं कि बाइक कैसे चलाएं शुरू में। तो इसका नाम अजय है और ये इसकी उम्र 12 साल है। तो मैंने वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको थोड़ा सिखाया है ताकि मुझे पता चल सके कि बिगिनियर्स से कैसे गलती होती है और कैसे जल्दी सीख जाते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, गाड़ी ड्राइव करते टाइम भी बताया था मैंने आपको कि आपको कैसे सही चलानी चाहिए कम से कम टाइम में। स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी सीखने के लिए बहुत से ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, लेकिन बाइक आपको खुद को ही सीखनी पड़ती है। इसको आज मैं बाइक सिखाने वाला हूँ। शुरू में बाइक सीखें वो हल्की बाइक से सीखें, जैसे कि ये होंडा लीवो बहुत हल्की बाइक है। पल्सर 180, अपाची आरटीआर, बुलेट जैसी बाइकों से आप ना सीखें। शुरू में हल्की बाइक होगी तो अच्छा रहेगा, आप जल्दी सीख जाएंगे। पहले थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ सब चीज़ों के बारे में। ये क्लच है, ये इंजन को फ्री करने के काम आता है। यहाँ पे जैसे बाइटिंग पॉइंट आता है, उसके बाद गियर डाल के अपन छोड़ते हैं। एक्सीलरेटर होता है, आप इसको जितना घुमाएंगे उतना बाइक स्पीड पकड़ेगी। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें डिस्क ब्रेक है। तो जब भी आप सीखो नहीं तो इस बाइक को ध्यान रखें कि आप अगला ब्रेक जोर से ना प्रेस करें, क्योंकि डिस्क ब्रेक में क्या होता है, ब्रेक के टायर जल्दी चिपक जाते हैं और बाइक गिरने के चांस हो जाते हैं। तो इसको आराम से प्रेस करिए। तो ये हो गए अपने आगे वाले ब्रेक, और ये पीछे वाले टायर का ब्रेक है। आप यहाँ से इसको आराम से प्रेस कर सकते हैं। तो इस बाइक में 4 गियर हैं। ये गियर लीवर होता है, आपको हमेशा क्लच दबा के गियर निकालने और हमेशा ही क्लच दबा के डालने हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया, उसके बाद क्लच दबाया, स्पीड पकड़ने के बाद सेकंड गियर, फिर थोड़ी चली बाइक, उसके बाद थर्ड गियर, फोर्थ गियर, ऐसे डालते हैं। तो क्लच हमेशा दबाना है गियर के टाइम करनी है, और इसको न्यूट्रल करना है। ये न्यूट्रल है पहले से, उसके बाद आपको स्टार्ट कर लेना है यहाँ से। तो मैंने इसको अभी मैंने स्टैंड पे खड़ा किया, आगे नहीं जाएगी बाइक आगे नहीं जाएगी। तो अभी खड़े बाइक को खड़ा करके मैं आपको बताता हूँ कैसे चलाना है। जैसे क्लच दबाएं, यहाँ पे गियर डालना आपको, और यहाँ पे धीरे धीरे क्लच छोड़ना आपको। उसके बाद ये बाइक जैसे टायर घूम रहा है अभी, ऐसे चलेगी बाइक। तो मैंने इसको भी समझा दिया है कैसे क्लच होता है, कैसे एक्सीलरेटर होता है, कैसे ब्रेक काम करता है। तो चलिए बाइक चलाते हैं, इसको मैं चलवा के देखता हूँ ये कैसे चला पाता है। तो पहले दिन जब आप बाइक सीख रहे हैं तो किसी को साथ जरूर बिठाएं पीछे, क्योंकि बाइक गिर सकती है और आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। आई थिंक आपने साइकिल चलाई है, उससे हेल्प होगी काफ़ी। तो पीछे ज़रूर बैठाना है किसी को। जब आप बाइक सीख रहे हैं तो पीछे वाले को पैर रखने नीचे, अभी यदि पैर रखेंगे तो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो पीछे वाला पैर रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तब आप ध्यान रखिए क्लच का और एक्सीलेटर का ध्यान रखिए, और ब्रेक का ध्यान रखिए। आप नीचे पैर ना रखिए, नीचे पैर रख पीछे वाला रख लेगा। यदि आप नीचे पैर रखने की कोशिश करेंगे तो आप वो भूल जाएंगे क्लच वाला एक्सीलेटर वाला। तो आप धीरे धीरे 2-3 दिन में सीख जाएंगे। मैंने इसको 15 मिनट अच्छी तरह सिखा के इतना सिखा दिया कि आई थिंक ये खुद चला लेगा। तो चलिए देखते हैं चला पाता है नहीं। वापस चला कोई दिन। एक बार हल्की बाइक सीखने के बाद आप कोई बाइक चला सकते हैं। मैंने इसको होंडा लियो बाइक से हल्की बाइक से चलाना सिखाया था, और अभी भारी बाइक चलवा के देखते हैं चला पाते हैं बाइक। ये इसको भी आराम से चला रहा है, क्योंकि सभी बाइकों का कंट्रोल लगभग एक जैसा ही होता है। क्लच कंट्रोल है और एक्सीलेटर और ब्रेक एक जैसे ही होते हैं लगभग। आप कोई भी बाइक चला सकते हैं भारी से भारी आराम, पर हमेशा पहले हल्की बाइक सीखना चाहिए।
ले जाओ तुम आकर। जब आप बाइक चलाना सीख जाए तो ऐसे भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।